नमस्ते, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पैंट के लेडीज़ पैंट के साइड में कट लगाएंगे और डोरी बना के उसका डिजाइन बनाएंगे और उसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। ये हमने एक पैंचा अपना बना के तैयार कर लिया। ये देखो, ये हमने ये कट लगा दिया इस तरीके से। ये हमने ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग से, और ये हमने कट लगा दिया और ये डोरी लगा दी हमने पैंट में, ठीक है। और दूसरा पैंचा हम आपके आगे बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने ये पैंचा बनाया है पैंट का। और ये देखो, ये हम इसमें इस तरीके से जिस भी कलर के आप ये बटन लगाना चाहो, कपड़े के बने हुए या फिर वैसे, तो आप कोई भी बटन इसमें लगा सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखो, मैं इसमें अलग अलग कलर के बटन लगाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखो आप, बाद में इनको मैं सुई से सिलूंगी, अभी तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही थी। और ये देखो आप, ये एक पैंचा हमने बना लिया और पूरी पैंट सिल के तैयार कर लेनी है। ऊपर से सिर्फ हमने जो आसन की सिलाई है वो भी लगा लेनी है, जो सिर्फ हमने साइड की जो सिलाई होती है पैंट की हमारे, वो नहीं लगानी। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बीच की सिलाई भी लगा लेनी है हमने, बस सिर्फ हमने साइड की सिलाई नहीं लगानी है इसमें। और ये हमने अपनी पैंट सिल के तैयार कर ली, सिर्फ हमने साइड की सिलाई, ये हमारी आसन वाली बीच की सिलाई है। इस तरीके से इसको हम जचा के प्रेस कर लेंगे, दोनों कपड़ों को दोनों साइड अपोजिट साइड करते हुए हम इसमें प्रेस कर लेंगे। और ये देखो, ये सिलाई एक बात और, आधा इंच की सिलाई अंदर की साइड फोल्ड कर देनी है पैंट के उल्टी साइड, और इसको हम अब सीधा करेंगे, ठीक है। इसको हम सीधा करेंगे अब, और अब आगे आप ध्यान से देखना किस तरीके से हम ये पैंट में साइड में कट लगाएंगे। ये देखो आप, इस तरीके से पलटते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे इसमें, ये देखो। और ये कपड़ा है जो आसन वाला बीच का, ये हमने दोनों अलग अलग साइड कर दिया है। और ये 4 इंच का कट लगाएंगे हम, और आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कम भी 2-2.5 इंच का कट भी रख सकते हो, और इसको दूसरे पैंचों को नापते हुए इस तरीके से हम इसमें ये सिलाई लगाएंगे। एक बार आप ज़रूर देखना ये ध्यान से, ये पैंचा हमने सीधी साइड पैंट के सीधी साइड रखा हुआ है, फिर हम इसको पलट के उल्टी साइड लेके जाएंगे। और ये देखो, ये सिलाई हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लेनी है, आधा आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड, और यहाँ से पक्का करते हुए कपड़े को मशीन से उतारेंगे। और अब दिखाती हूँ मैं आपको इसमें हम डोरी कैसे लगाएंगे। जो हमने डोरी बना के रख रखी है उसके पहले हम टुकड़े करेंगे, एक एक पीस करेंगे, उसमें 1.5 या 2 इंच का आप रख सकते हो। और ये देखो, अब हम नापेंगे कि उसमें दूसरी पैंट में हमने कितने कितने गैप पे ये डोरी रखनी है। आप कम 2 बटन के लिए भी ये डोरी लगा सकते हो, मैंने ये लगाई है 6, और ये 4 इंच पे मैंने ये डोरी लगाई है। और ये देखो आप ध्यान से देखा, ये सीधी साइड लगेंगी डोरी, ठीक है, पैंट के ये हमारे सीधी साइड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सीधी साइड है, क्योंकि जो हमने ये पैंचा फोल्ड किया हुआ है सीधी साइड है, ये अब हम उल्टी साइड करेंगे और फिर हम इसमें तुरपाई करेंगे। ये देखो 4 इंच पे है, तो 4 इंच पे निशान लगा लिया, इतने ही गैप में हम ये डोरी लगाएंगे, और ये 1/2 इंच इससे कपड़ा छोड़ते हुए जो हमने ये पैंचे का कपड़ा फोल्ड कर रखा है, और फिर अपनी एक एक ये लूपी बना के डोरी की ये लगाएंगे। ये देखो 1.5-2 इंच आप रख सकते हो, ये अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हो, छोटी बड़ी जितने आप इसकी लंबाई रखना चाहते हो। और इसी तरीके से हम अपनी सारी डोरी अटैच करेंगे पैंट के साथ। और ये मैंने जितनी अपनी 6 डोरी थी जो मैंने वो लगा दी, और ये देखो पूरी 4 इंच पे ही हमारी डोरी लग के तैयार हुई है। और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे, जो हमारी साइड की सिलाई है, अब इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे, इस साइड से कंप्लीट करेंगे हम। ये देखो आप,
इसको छोड़ेंगे पहले हम, ये इतने इतने और यहाँ से हम जो हमने लूपी लगाई है उसके ऊपर हम मशीन चलाएंगे, जो सिलाई हमने नीचे लगाई है सेम उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी है साइड की सिलाई, जो पहले सिलाई लगी हुई है वो हमारी आसन की बीच वाली सिलाई है। और एक बात और बता देती हूँ आपको, अगर आपकी पैंट सिलने के बाद बीच में से उठे तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी अगर आपको देखना है तो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करो आप, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और ये हमने साइड की अपनी सिलाई लगा ली, ये देखो अब आपको समझ में आएगी किस तरीके से हमने ये कट लगाना है। और इसको हम टर्न करेंगे, अब ये देखना आप इसकी नोक हम अच्छे से निकालेंगे किसी चीज़ की मदद से, और फिर हम इस पर प्रेस करके तुरपाई करके अच्छे से फिनिशिंग से, ये देखो अब हमने इसको उल्टी साइड पलट दिया, सीधी साइड हमारा बहुत फिनिशिंग से ये पाँचा बन के तैयार होएगा। और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, ये देखो आप ये हमारा पाँचा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। बटन मैं बाद में लगा के दिखाऊंगी आपको, मैं बाद में लगाऊंगी मतलब इसके ऊपर बटन। ये 6 लूपी लगाई है मैंने और 4 इंच का मैंने ये कट लगाया है। आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लंबा ये कट पहनना चाहते हो। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।